हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज लेकर आया हूँ मैं एक मज़ेदार वीडियो आपके लिए। ये तूफानी फैन है दोस्तों, ये शॉर्ट हो गया, जड़ गया है। इसकी रिवाइंडिंग करेंगे तो खोल लेते हैं। देखो दोस्तों आगे भी इसकी काफ़ी बड़ी जाड़ी है। इसमें 18 इंच की पंखुड़ी लगती है, जो अपने कूलर में लगती है ना, प्लास्टिक की 5 फर वाली वो पंखुड़ी लगती है इसमें दोस्तों। तो इसको यहाँ से खुलता है, जैसे ये आगे की जाड़ी खुल जाएगी दोस्तों इसकी, यहाँ से ये लॉक है, इन लॉकों को खोल के जाड़ी हटा देता हूँ। देखो दोस्तों एक लॉक खोल दिया मैंने, एक लॉक खोलने के बाद में सारे लॉक ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं। देखो चारों तरफ लॉक है ये। तो देखो दोस्तों इसकी ये मोटर है, ये रोटर है इसका। इसको पीछे से खोलेंगे, ये इसका कवर आ गया। इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं 2.5 mFD के। आप चाहो तो सिंगल 1.4 mFD का भी लगा सकते हो। ये देखो दोस्तों ये शॉर्ट हो गई है मोटर, तो उसको खोल लेंगे। 4 स्क्रू है अपने, 1, 2, 3 और 4, इन चारों स्क्रू को खोल के कवर को बाहर हटाता हूँ मैं इसके बैक को। दोस्तों चारों स्क्रू खोल लिए मैंने, देखो अब इसको कवर को पीछे से हटा देता हूँ। दोस्तों इसमें बेयरिंग आता है दोनों तरफ, घुस नहीं आती है। ये देखो बिल्कुल आराम से चल रहा है। ये शॉर्ट हो गई, जैसे ये वायर शॉर्ट हो गई इसके। दोस्तों ये एलुमिनियम वायरिंग से वाइंडिंग है इसकी। तो आप वीडियो में बने रहे, इसको आगे डाटा आपको बताऊंगा सारा, कितने नंबर गेज का वायर है, कितने राउंड लगेंगे, कोयल की लंबाई, कैसे वाइंडिंग होती है, ये सब आगे वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर मेरे वीडियो में आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। दोस्तों इससे सबसे पहले इसे पीछे से करके इसको मैं स्टेटर को बाहर निकाल लूँगा। यहाँ से देखो ये स्टेटर है, तो इसको पीछे से उल्टा कर देंगे। जैसे ये उल्टा किया, ऐसे उल्टा कर दिया, यहाँ से पीछे से ठोकेंगे स्टेटर को, यहाँ से ठोक के इसको बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद में वाइंडिंग होगी दोस्तों। दोस्तों इसको निकालने से पहले साइड में इसके दोनों तरफ ये गुटके लगाने पड़ेंगे, इसके ऊपर रह जाएगा। देखो ये स्टेटर नीचे टच नहीं होगा, जैसे आराम से बाहर निकल जाएगा। ये आप लकड़ी के गुटके लगा सकते हो या और कुछ भी सपोर्ट के लिए लगा सकते हो। इधर से पीछे स्टेटर को ठोक के इधर से निकालेंगे। ये देखो दोस्तों इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। दोस्तों मैंने ये स्टैम्पिंग बाहर निकाल लिया, देखो ये अंदर था इसके। स्टेटर की ये वाली मोटाई 2 इंच है इसकी, ऐसे नापेंगे जो, और इसकी ये चौड़ाई अपने है 5.5 इंची आ रही है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की जो आएगी लेंथ, ये लेंथ 5.5 इंची की है। तो इसी प्रकार से इसकी कोयले बनेंगी लंबाई के हिसाब से। ये स्टेटर इसकी जैसे किटवाती है ना, उससे छोटी साइज है, लेकिन मोटाई ज़्यादा है इसकी, ये वाली मोटाई ज़्यादा है दोस्तों। तो इसमें गेज वगैरह जो भी होता है मैं खोल लेता हूँ इसको, और इसके लंबाई वगैरह आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये डेटा बताऊँगा जो आपको इसके कोयलों के, उससे यूज करेंगे आप तो ये कोयल जलेगी नहीं कभी भी जल्दी से, क्योंकि ये 5 साल पहले मैंने ही वाइंडिंग किया था। ये देखो ये वाइंडिंग जली नहीं है, इसमें क्या चूहे ने इसके वायर काट दिए जगह जगह से। देखो बिल्कुल फ्रेश वायर है, 5 साल पहले वाइंडिंग की हुई भी आज फ्रेश है, अभी भी ये 5 साल कहीं नहीं जाता, तो ये लॉन्ग लाइफ चलेगा दोस्तों। ये डाटा यूज ले लो आप, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन क्या है उसमें चूहे ने इनके जगह जगह से वायर कतर दिए, इसलिए इसको मैं निकाल के नई वाइंडिंग करूँगा दोस्तों। ये देखो ये मैंने स्टार्टिंग निकाल लिया दोस्तों, ये भी फ्रेश वायर है देखो। लेकिन ये एलुमिनियम है तो दोबारा यूज नहीं आते हैं, काट के बाहर निकालना पड़ता है इसको। ये देखो दोस्तों आप इसको कॉपर में भी वाइंडिंग कर सकते हो, एलुमिनियम में भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे, जो आपको सूटेबल लगे उसी प्रकार से आप कर सकते हो दोस्तों। तो ये मैंने स्टार्टिंग के तो निकाल लिए, अब रनिंग के बाहर निकाल रहा हूँ। ये 24 स्लॉट का स्टेटर है दोस्तों, ये देखो, और 1440 RPM है इसके फर्राटा जो फैन आता है।
स्टैंड वाले पराठे फैन आते हैं उसके स्टैंपिंग है ये। दोस्तों ख़राब वायर मैंने सारी बाहर निकाल दिए हैं, देखो पेपर लगा दिया है, अच्छी तरह लगा दिया, इसको फोल्डिंग करके पेपर लगा दिया करो, यहाँ से फोल्ड कर दिया करो आप। देखो अब इसकी कोयल बनाएंगे दोस्तों, इसकी 8 कोयल बनेगी, 4 स्टार्टिंग बनेगी और 4 बनेगी अपने रनिंग की। तो इसकी कोयल बनाते हैं, उसकी लंबाई वगैरह आपको मैं बताऊंगा कोयल बना के कितनी क्या कैसे है। देखो दोस्तों ऐसा वीडियो बता रहा हूँ आपको जो बिल्कुल फ्री में बता रहे हैं, ऐसा वीडियो आपको कोई पैसे देने के बाद भी नहीं बता पाएगा, इतना अच्छा वीडियो है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे तो आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो तो आप देख लेते हो लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो आप मेरे चैनल को, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जो भी नया वीडियो मैं डाल सकूं वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसका, जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। देखो दोस्तों मैंने एक सेट कंप्लीट कर लिया है ये रनिंग वाला, देखो तो 4 कोयल बना दिए, 1 2 3 4, चारों कोयल एक ही साइज की डलेगी, एक ही साथ बना लिया मैंने इनका, ये फर्मा बना रखा है मैंने इसमें। देखो दोस्तों अभी इनको निकाल के और डालना सिखाएंगे आपको किस प्रकार से डालते हैं, उससे पहले आपको लंबाई बता देता हूँ मैं इनकी। यहाँ से जो कोयल की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आएगी इसकी 11 इंची की आएगी दोस्तों रनिंग वाले की। अगर वैसे आप वायर नापोगे तो यहाँ से लेके जैसे राउंड में लापोगे यहाँ तक का, तो उसका 22 इंची का सिंगल वायर ले सकते हो आप। अगर ऐसे सिंगल लेते हो ये जैसे ये सिंगल है, अगर ऐसे सिंगल लेते हो तो उसकी लंबाई ले लो आप 22 इंची और राउंड में कोयल बन गई, कोयल बनने के बाद इस छोर से इस छोर की 11 इंची लंबाई रह जाएगी उसकी कोयल की दोस्तों। तो ये है कोयल की लंबाई। तो दोस्तों ये डाटा आप लिख सकते हो, भविष्य में आपके काम भी आ सकता है। कई दोस्त कमेंट करके कहते हैं कि भाई आप लंबाई बताओ गेज बताओ, तो वो वीडियो को अच्छी तरह देख नहीं पाते। मैं वीडियो में सभी वीडियो में मेरे डाटा कोयल की लंबाई गेज राउंड सब कंप्लीट बताता हूँ दोस्तों, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखा करो उसके बाद में कमेंट करा करो, आप कोई कमी हो तो फिर भी आप पूछ सकते हो मेरे को। ये देखो दोस्तों सिंगल कोयल की लंबाई आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आप फीता पकड़ सकते हो, 11 इंची की लंबाई लेंगे कोयल बढ़ने के बाद। वैसे आप तार ले लो एक लंबा, उसका भी लंबाई लेके 22 इंची की और फिर राउंड में उसको बना सकते हो, फर्मे पर सेट कर सकते हो उसको आप। तो ये है दोस्तों इसकी लंबाई, इसका गेज कैसे डालते हैं ये आपको मैं आपके वीडियो में और बताऊंगा। ये 24 लॉट का स्टेटर है दोस्तों, इसकी लंबाई आपको पहले बताई थी मैंने, यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंची है और इसकी मोटाई ये जो आएगी 2 इंची की है। तो दोस्तों हम कैसे डालेंगे इसका आपको बता देता हूँ। मेरे दोस्तों इसमें 1 और 5 में डलेगा पिच में, जो पहली कोयल डलेगी अपने स्टार्ट आप कहीं से भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्टार्टिंग की पिच डलेंगे 1 और 5 में डलेगा, 1 2 3 4 और 5 इसमें और इसमें डल जाएगा, ये 3 पिच खाली रह जाएंगे अपने लिए। ये देखो दोस्तों 1 2 3 ये खाली रह जाएंगे और 1 और 5 में ये फर्स्ट वाली कोयल डल जाएगी। तो ये कोयल डालता हूँ दोस्तों फिर आपको बताता हूँ। देखो ये देखो दोस्तों एक कोयल का पहला राउंड डाल दिया मैंने, ये देखो कोयल की लंबाई ये है, तो ये पहला वाला राउंड 1 और 5 में डाल दिया, ये 3 पिच बीच में रह गए। तो आप सीधा और सिंपल ये रखो, कहीं से भी स्टार्ट करोगे 3 पिच को आप बीच में खाली छोड़ सकते हो, ये आइडिया लगा लो आप। 1 और 5 का ध्यान भी नहीं देना, तो किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हो, उसमें 1 और 5 के बीच में 3 पिच खाली रह जाएंगे। अब ये पहले राउंड डाल दिया तो इस वाले पहले में 2 राउंड डलेंगे इस कोयल के, अब इसको ऐसे राउंड कर घुमा के इसमें 1 राउंड और डाल दूंगा, तो जो फर्स्ट वाले में डलेंगे 2 राउंड डल जाएंगे इस कोयल के। ये देखो मैंने इस कोयल से इसी में घुमा के 2 राउंड डाल दिया, एक ये हो गया एक ये ऊपर से हो गया, तो पहले वाले में जो उसमें डालेंगे 2 राउंड डालेंगे। अब एक जो नेक्स्ट इसमें आ गया इसमें और इसमें 1 राउंड डल जाएगा इसी कोयल का, तो ये कोयल इस तरफ से घूम जाएगी दोस्तों, ये घूम गई ऐसे, ये देखो ऐसे घूमेगी ना, तो इधर वाले को तो डाल देंगे इसमें
और जो इधर वाला राउंड है इसमें डाल दूंगा मैं, ऐसे घूम के चल जाएगी ये। देखो दोस्तों इस प्रकार से ये डल गई, ऐसे इस तरीके से डाल दूंगा इसको, तो इसमें डाल देता हूँ। तो दूसरे में जो पिच में डलेगी उसमें एक ही राउंड डलेगा इसका, इस कोयल का एक राउंड। तो ये ध्यान रखना है, पहले वाले पिच में जो डालेंगे उसमें दो राउंड और जो सेकंड वाले डलेंगे उसमें एक राउंड। ये हो गया एक और सात का रह जाएगा इसमें, एक और सात में एक ही राउंड डलेगा दोस्तों। दोस्तों ये कनेक्शन का है, देखो फर्स्ट वाला जो मैंने इस वायर का छोड़ा इस तरफ से आ रहा है इसका कनेक्शन, और जो ये आगे वाले कोयल की जा रही है जॉइंट वो इस तरफ से आ रहा है। तो उसी प्रकार से चलो, अब ये कोयल है इसका इस साइड से आ रहा है, तो ये कोयल इसी तरफ से घूमनी चाहिए, ये नेक्स्ट वाले जो कनेक्शन आएगा इसी तरफ से आना चाहिए। तो उसी हिसाब से राउंड फिगर में चलता रहेगा, तो कनेक्शन आमने सामने नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना, हमेशा मैं बताता हूँ वीडियो में, तो कनेक्शनों का ये ध्यान रखा करो। क्या मैं एक ही साथ कोयल बना देता हूँ पूरी, जैसे चारों कोयलों का एक ही साइड बना लेता हूँ, उसमें बार बार कनेक्शन करने की जरूरत थी, जॉइंट की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों एल्युमिनियम वायर है ये, ये दूसरी वायर को डाल रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों अब इसके बीच में दोनों में एक भी पिचकाली नहीं रखना है, इसके टच में सटा गई ये, देखो ये कोयल इसके टच में लगानी है, ये आखिरी वाली कोयल आ गई इसकी, तो इसके टच में लेना है। ये तीन पिच बीच में रह गए, एक दो तीन, इधर भी आ गए देख लो ये। अब इसमें भी दो राउंड डालेंगे, एक तो डाल दिया मैं, एक राउंड और घुमा के इसमें आएगा इस कोयल का, तो इस वाली कोयल में एक राउंड आ जाएगा, और दूसरा जो राउंड आएगा वो मैं बताता हूँ देखो किधर लग रहा है। एक मिनट इनको डाल देता हूँ आपको। लच्छी में जो कोयल डालते हैं वो इसी प्रकार से चलती है, जैसे ये राउंड था इधर से, ये इसमें डाल दिया मैंने, ये देखो अब खींच के दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये है। अब ये वाला जो आ रहा है इसको राउंड को, अब ये वाली ऊपर वाली आ रही है कोयल, ये इसमें डाल दूंगा इसको, इसमें आ जाएगी ये, यहाँ पर सेट हो जाएगी, ये देखो दोस्तों ये इस पर डल जाएगा। यहाँ तक डाल दिया मैंने, इसमें भी दो राउंड डाल दिया। अब ये कोयल बच रही है लंबाई, अब इसको घुमाएंगे जैसे इस प्रकार से राउंड देंगे इसको, ये वाला कोयल यहाँ पहुँच जाएगी और इधर वाली इस साइड में ये उल्टी सुलटी हो जाएगी, जैसे ये देखो यहाँ पे इसकी गुंडी पड़ गई। ये जो राउंड जा रहा है ये इस तरफ चल जाएगा, और जो नीचे वाला पहले का आ रहा था ये इस तरफ चल जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो राउंड है, अभी जो पहले कोयल डाली थी अपने एक, उसमें एक ही राउंड डाला था, ये देखो यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे जो एक राउंड डाला था ना, अब इसका ये दूसरे वाला राउंड इसी में डलेगा, इसके ऊपर डल जाएगा ये दोस्तों, ये देखो। और इधर जो इसका जा रहा है वो इसमें, ये खाली पीछे इसमें डल जाएगा, इसी प्रकार से आगे चलेगी दोस्तों इसकी। तो दोस्तों ये अलग तरीके से वाइंडिंग है, ये दो दो जाते हैं, जैसे फर्स्ट वाले राउंड में भी दो गए और सेकंड वाले पिच में भी दो गए, एक इस पहले वाले कोयल का एक इस कोयल का, दो दो राउंड हो गए, दोनों में कोयलों में दो दो राउंड आ जाते हैं। ये देखो दो कोयले डाल दी मैंने, इसमें दो दो राउंड आ गए, इसमें भी दो राउंड हो गए, इसमें भी दो राउंड हो गए, इस वाले का इस पर आ गया, इधर एक राउंड आ गया इसमें। अब जो नेक्स्ट वाले कोयल डालेंगे इसमें दो डल जाएगा और इससे आगे वाले में एक डल जाएगा इसके, ऐसे दो दो तीन तीन हो जाएगी। ये दोनों कोयले डल गई दोस्तों, अब इसमें सिंगल रह गई। अब नेक्स्ट वाले कोयल डालेंगे इसमें डल जाएगी एक, दो राउंड इसमें आ जाएंगे और उसका एक राउंड बचेगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से डालने से क्या स्पीड बहुत ज़्यादा आती है इस पंखे की, हाई स्पीड हो जाता है ये, इसीलिए इसको तूफानी पंखा बोलते हैं दोस्तों। ये अलग तरीके से वाइंडिंग होती है, किट भी इस तरीके से नहीं होती, किट अलग तरीके से होती है अपने कूलर की जो होती है, ये छोटी साइज हो के भी कूलर की किट से हाई स्पीड देती है दोस्तों, उससे भी अच्छे हवा देता है ये पंखा। देखो दोस्तों आगे वाली कोयल का मैंने ये पहली डाल दी है, ये तीन स्लॉट बीच में रखे, एक दो तीन, इस दोनों के बीच में नहीं रखेंगे। अब इस वाले में एक राउंड डाल दिया, एक राउंड इधर से घुमा के ये पीछे से आएगा, इसको ऐसे घुमा के इधर डाल दूंगा, और जो इधर से आएगा इसको इस साइड से घुमा के दो इसमें डल जाएंगे, और तीसरा वाला राउंड वही इसी के ऊपर आ जाएगा, तो इसमें भी दो राउंड हो जाएंगे, इसमें भी दो राउंड हो जाएंगे। ये रनिंग वाली कोयले डाल रहा हूँ दोस्तों, ये देखो दो राउंड डाल दिए मैंने इसमें, एक और दो, दो राउंड डाल दिए, तीसरा राउंड वो इसमें से निकल के जाएगा, ये कोयल लंबी लच्छीदार बनती है इसका, इसी में आ जाएगा, इस राउंड में आ जाएगा। देखो दोस्तों इधर तो इसमें आ जाएगा और इस साइड में, इसमें जो नेक्स्ट है इसमें खाली रह रहा है, इस पर आ जाएगा एक राउंड,
एक इसमें आ जाएगा और दो इसमें हो जाएंगे। उसी प्रकार से तीसरी कॉइल भी इसी प्रकार से डलेगी और चौथी भी डाल देता हूँ दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कनेक्शनों का मैन ये रखना है ध्यान अपने को, जैसे जैसे चल रहे हैं कोयल का, देखो ये फर्स्ट वाला जो मैंने छोड़ा है ये इस तरफ से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है ये वायर देखो, और जो इसमें नेक्स्ट वाले कोयल में जा रहा है ये लेफ्ट साइड से आ रहा है अपना, इस तरफ से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है। तो अब जो नेक्स्ट वाले कोयल का है इस तरफ का जा रहा है, तो ये कोयल का ये राउंड भी जाना चाहिए इसी साइड से, इस तरफ जाना चाहिए यानी ऐसे आना चाहिए, तो इनका दोनों को एक तरफ हो जाएगा। ये हो गया, अब इस वाले कोयल का ये बच गया अपने पास इस तरफ का, तो ये नेक्स्ट जो कोयल डाल रहे हैं अपने इसकी, इसका भी ये देखो इस तरफ का ही होना चाहिए, ये देखो इस तरफ का है, यानी एक ही तरफ से कोयल चलनी चाहिए। लेफ्ट साइड से आ रहा है तो नेक्स्ट कोयल का भी लेफ्ट साइड से, फिर आगे का राइट साइड का तो राइट साइड का, उसी प्रकार से सारे कनेक्शन हो जाएंगे। लास्ट में जो बचेंगे अपने एक ही तरफ के वायर बचेंगे अपने, राइट साइड के बच जाएंगे अपने पास। तो दोस्तों मैं चारों कोयल डाल के कंप्लीट कर देता हूँ। देखो रनिंग में चौथी और आखिरी कोयल है दोस्तों, ये देखो इसमें दो राउंड ही डल गए, एक और दो, और नेक्स्ट वाला तीसरा राउंड इसी कोयल का, एक तो इसमें चला जाएगा एक इस वाले में चला जाएगा, इन दोनों में जगह वो तीन पिच बीच में खाली है इसमें। दोस्तों इसके गेज और डाटा बताता हूँ आपको, वो लिख लो आपको भविष्य में काम आएंगे। लंबाई पहले आपको बताइए मैंने, इसकी लंबाई आएगी 11 इंची, गेज है 30 नंबर वायर का है दोस्तों, और इसके राउंड आएंगे 160 राउंड आएंगे दोस्तों 30 नंबर वायर से। ये इसका रनिंग का डाटा है दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट डाटा है, इससे कभी मोटर हीट नहीं खाएगी और मोटर की स्पीड भी बहुत हाई बनेगी तूफानी फैन में दोस्तों। अब इस कोयल को मैं जैसे सभी को इसी प्रकार से घुमा के डाल दे, अब इसको ऐसे राउंड में घुमा दूंगा, ये देखो ये इस प्रकार से घूमेगी कोयल, ये घुमा दिया इसको, ये डाल दिया देखो दोस्तों, ऐसे लास्ट वाले में ऐसी घूम जाती है, ये देखो। अब इस वाले को मैं तो डाल दूंगा इसमें इस तरफ, और इस वाले को डाल दूंगा इस तरफ डाल दूंगा दोस्तों। चारों कोयल डाल के कंप्लीट कर दिए, ये रनिंग की देख लो दोस्तों अच्छी तरह आप देख सकते हो, ये देखो ये दो वायर अपने पास रह गए हैं कनेक्शनों के लिए, देखो इसमें भी राइट साइड से आ रहा है, देखो लास्ट का ये वाला इस साइड से आ रहा है, और इसमें भी जो ये आ रहा है ये इधर साइड से, इधर से ही आ रहा है दोस्तों, ये देखो ये आपको बताऊँ, ये देखो इसी तरफ से आ रहा है। अब दोस्तों इसके ऊपर स्टार्टिंग ही डालेंगे कोयले, स्टार्टिंग में भी चार कोयल का सेट बनेगा, चार ही कोयल रनिंग की बनेंगी, चार ही स्टार्टिंग की बनती है। अब इनके ऊपर या तो आप कॉटन टेप लगा लो सेपरेट के लिए, या पेपर भी लगा सकते हो, जो आपको उचित लगे डाल सकते हो। तो मैं इस पर कॉटन टेप चिपका दूंगा, तो आपस में स्टार्टिंग रनिंग टचिंग नहीं हो और आपस में शॉर्ट नहीं हो दोस्तों गर्मा के। देखो दोस्तों अब मैं स्टार्टिंग की कोयलों का सेट बनाता हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग कोयल का सेट भी अपने उसी प्रकार से बनेगा, लंबाई वही रहेगी, 11 इंच की लंबाई आएगी इसी के बराबर पहले की, आप आधा इंच छोटी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग कोयलों का मैंने चारों का एक सेट बना लिया, देखो एक दो तीन चार कोयल बन गए, वो इससे बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद में इसको डाल देंगे दोस्तों। आगे की कार्रवाई में करता हूँ, आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों स्टार्टिंग की डाटा लिख सकते हो आप, मैं डाटा बता रहा हूँ, इसकी लंबाई है 11 इंची, यहाँ से जो यहाँ तक लंबाई लेंगे 11 इंची की लंबाई आएगी, इसके राउंड आएंगे 170, और इसका गेज है दोस्तों 32 नंबर 32, रनिंग में है 30 नंबर और स्टार्टिंग का है 32 दोस्तों। तो इसी गेज से चलेगी मोटर, इसी गेज से अपने कूलर की किट वाइंडिंग होती है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या तरीका अलग है वाइंडिंग करने का, तो इसमें स्पीड अच्छी आती है। तो दोस्तों इसको डालता हूँ मैं आगे स्टार्टिंग की कोयलों को, देखो किस प्रकार से डालते हैं, ये डाल के बता रहा हूँ आपको देख दोस्तों। दोस्तों स्टार्टिंग की वाइंडिंग कोयले डालेंगे अपने, अब जैसे अपने पास बच रहे हैं पहले के तीन पिच बच रहे हैं, एक दो और तीन, ये देखो सभी के बीच में तीन तीन पिच बच रहे हैं, इनमें स्टार्टिंग की डालेंगे। तो
इसमें वही एक और पाँच में डलेगा स्टार्टिंग, जैसे ये एक ये पिच हो गया खाली, एक इसमें ये आ गया, इन दोनों में आगे के डाल देंगे दोस्तों। देखो एक इधर आ गया, फर्स्ट वाले तो डालेंगे एक इसमें और एक इसमें, ये तीन वही बीच में रह जाएंगे जिसमें रनिंग की अपने डली हुई है, एक दो तीन, ये रनिंग की तीन डली हुई रह गई, और ये वाला और इसमें एक एक में दो दो राउंड डाल देंगे फर्स्ट वाले। तो मैं डालता हूँ दोस्तों इन दोनों में, एक दो तीन चार और पाँच, एक और पाँच का ये सेट हो जाएगा आपसे। ये देखो पहला राउंड डाल दिया मैंने दोनों में दोस्तों, ये सेपरेट रहती है स्टार्टिंग की और रनिंग की दोनों, अदर कोयलों में या अदर वाइंडिंग कोई भी करते हैं उसमें रनिंग पे स्टार्टिंग आती है, इनमें रनिंग में स्टार्टिंग नहीं आएंगी, स्टार्टिंग अलग होती है और रनिंग की अलग होती है। तीन तीन का पिच होता है, जैसे एक दो तीन के तीनों पिच हो गए अपने रनिंग के हो गए, उसी प्रकार से ये तीन पिच हो जाएंगे, एक दो तीन ये स्टार्टिंग के हो जाएंगे। तो इस वाली कोयल में दो राउंड डाल दूंगा मैं पहले और दूसरा में इसमें दोनों में, जैसे रनिंग में डाला था उसी प्रकार से स्टार्टिंग में भी इसी तरीके से डलेगा ये राउंड। ये देखो दोस्तों इसमें दो डल जाएगा, एक राउंड इसमें डल जाएगा, एक इसमें डल जाएगा नेक्स्ट इसी कोयल का, ये दोनों डल रहे हैं ना, एक इसमें और एक इसमें डाल दूंगा। तो ये मैं इसका दूसरा राउंड डाल के बताता हूँ आपको, ये कोयल इस तरफ से जैसे ये है ना, इसको इस तरफ से घुमाऊ इसमें आ जाएगी, फिर इस कोयल को घुमा के वापस ये आ जाएगी, ये हो जाएगी, इसके दो राउंड हो जाएंगे, ये राउंड हो गए। लंबी कोयल है दोस्तों ये, 11 इंची कोयल है, ये दोनों राउंड डाल दिए मैंने देखो इसमें। अब इसका ये कोयल का ही है, इसका एक राउंड आएगा इस नेक्स्ट वाले में, इसमें इसमें आ जाएगा, एक और साथ में आ जाएगा दोस्तों। तो इस वाले को राउंड को घुमा के मैं इसको यह दूंगा, जैसे यह आ जाएगा और ये वाला राउंड घूम के इसमें आ जाएगा। ये देखो ये राउंड घुमा रखा हूँ ना, ऐसे आठ की तरह बना लो आप इसको, और ऐसे करके इसको लास्ट में से दबा के ऐसे लगा सकते हो। ये देखो दोस्तों ऐसे आ जाएगी, ये इस प्रकार से हो जाएगी, ये देखो। तो ये जो आखिरी वाली है इसमें एक ही राउंड डलेगा, ये आगे वाला एक और सात का जो बन रहा है उसमें एक एक राउंड डलेगा, एक कोयल का, बाकी दूसरी कोयल का एक राउंड आ जाएगा उसमें। ये देखो पहली कोयल के मैं कंप्लीट डाल दिया हूँ दोस्तों, ये स्टार्टिंग की, इसमें दो राउंड डल दे दिया पहले वाले में, इसमें एक एक राउंड डल गया, एक इधर डल गया, एक इधर डल गया। तो अब नेक्स्ट वाले डालूंगा मैं यहाँ से, एक इसमें डाल दूंगा, एक इसमें डाल दूंगा, वही बीच में एक दो तीन पिच रह जाएंगे। दूसरी कोयल की मैंने ये देखो डाल दिए, पहले स्लॉट में डाल दिए दो राउंड, एक और दो राउंड डाल दिए। अब ये जो पहले डली हुई थी अपने, ये एक ही राउंड था इसमें इस वाली कोयल का, तो ये वाला राउंड इधर घुमा के इसमें दे दूंगा मैं, इसको घुमा के यह दे दूंगा दोस्तों। तो इसमें भी दो राउंड हो जाएंगे, और जो इधर से घूम के जाएगी है ये, इसको यहाँ दे दूंगा दोस्तों इसमें, यारह ना एक पिचकाली रह गया इसमें हो जाएगा। तो ये दो कोयल कंप्लीट हो जाएगी, तो सभी दोस्त कोयलों इसी प्रकार से डलेगी दोस्तों। तो मैं सारी कोयलें डाल देता हूँ एक बार, फिर आपको आगे बताता हूँ कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं क्या है। दूसरी कोयल कंप्लीट डाल दी देखो मैंने, ये रही एक इसके नीचे ये वाला, इसका आगे राउंड, एक इसके ऊपर इस वाले राउंड का आ गया। अब नेक्स्ट वैसे डलेगी, नेक्स्ट वाली कोयल एक डलेगी, एक इस वाले में डल जाएगी, इसमें दो राउंड डाल दूंगा मैं, और एक राउंड इसमें आ जाएगा, इधर आ जाएंगे दो राउंड इस वाले में आ जाएगा, एक राउंड इसमें आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे की तीनों कोयलें, टोटल चारों कोयल इस प्रकार से जम जाएगी। तब देखो ये आखिरी कोयल है चौथी दोस्तों, ये देखो इसमें मैंने दो राउंड इस वाले में डाल दिया, अब इसका एक राउंड बच गया। तो ये आखिरी, ये पहले डली हुई फर्स्ट वाली कोयल ये डल गई इसमें, और इससे पहले वाली डली हुई इसमें, इन दोनों में एक एक आ जाएंगे इसके राउंड। एक तो पहले इसके डल रहे हैं और एक इसके डाल दूंगा, अब इसको वैसे ही घुमा के दूंगा जैसे ये घुमा रही है ना, ये देखो इस प्रकार से इसको ऐसे राउंड घूट के ऐसे काट दूंगा दोस्तों। ये देखो ये डल जाएगी कोयल इसमें, ये कंप्लीट वाइंडिंग हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है, देखो ये कंप्लीट कर दिया मैंने इधर से, तो धागे से बांध भी दिया है, इस साइड में कंप्लीट है। अब अपने पास बच रहे हैं चार वायर बच रहे हैं शेष कनेक्शनों के लिए, दो तो ये बच गए एक, और दो तो रह गए अपने रनिंग के,
और एक और दो ये रह गए स्टार्टिंग के दोस्तों, ये देखो ये स्टार्टिंग की रह गई दोस्तों। अब इनमें वायर लगा देंगे, ये दोनों में वायर लगा के कनेक्शन बाहर निकाल लेंगे और इनमें भी दोनों में वायर लगा के कनेक्शन बाहर निकाल देंगे। इन दोनों के कनेक्शन आगे काम आएंगे अपने दोस्तों, ये देखो। तो आगे कनेक्शन करेंगे तो एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का दोनों एक जगह कर देंगे। एक सप्लाई की इसमें लग जाएगी अपने जो वायर निकालेंगे, दूसरी सप्लाई की इसमें निकल जाएगी, इसके साथ एक कंडेंसर लग जाएगा और एक कंडेंसर इसके साथ लग जाएगा। ये सप्लाई की हो गई, ये सप्लाई की होगी, दो सप्लाई की हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है, देखो कनेक्शन में निकाल लिया है सारे, दो स्टार्टिंग की हो गई है देखो, ये दो रनिंग की निकाल दिया। अब बाहर के कनेक्शनों के लिए एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का हो जाएगा, ये देखो एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को एक जगह करके ये मेन सप्लाई एक तो ये कर देंगे जो बाहर लगाएंगे कनेक्शन, और ये मैंने एक सप्लाई पावर की रह गई, एक ये कंडेंसर की रह गई, तो इसमें एक कंडेंसर कैपेसिटर लग जाएगा चार का और एक इसमें कैपेसिटर लग जाएगा, दो कनेक्शन आते हैं कैपेसिटर दोनों वायर में, एक इसमें और एक इसमें लग जाएगा। एक मेन सप्लाई इसकी दे देंगे और एक मेन सप्लाई इसकी दे देंगे। अगर उल्टा होता है या उल्टा घूमता है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, इस कंडेंसर के वायर को यहाँ लगा दो और इसको यहाँ लगा दो, इतना ही करना है, उस कुछ नहीं करना दोस्तों। तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।